चटनी दिख रही। बच्चों क्या हाल है? ये देखो ये बच्चे का है ना, जैसे क्या हाल है बेटे, आई एम गिविंग मॉक टेस्ट बट एवरी टाइम सेम सम मिस्टेक्स हैपन फ्रॉम द सेम चैप्टर, हाउ टू ओवरकम इट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो ये वो जना है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। परसिवरेंस मेंटेन कैसे करें, बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, और नंबर नहीं आ रहे तो उसकी वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं और अगली बार टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा। तो ये वो क्वेश्चन है सर, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो क्या हाल है आप सबका, पहले तो ये बताइए क्या हाल है गाइस। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से भूल जाते हैं, एंग्जाइटी से भूल जाते हैं। यस एग्जैक्टली, दिस इज वॉट दे आर सेइंग। सर डर लगता है टेस्ट में कम मार्क्स आने से, डर लगता है। तो ये जो फियर है ना सर, ये जो यहाँ पर आपने लिखा, ये जो बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे थे उस दिन हमने देखा, ये फियर है, इसलिए पेपर देते नहीं कई बारी। ऐसा लगता है तैयारी नहीं है, नो टाइम टू रिवाइज आफ्टर क्लास, नो टाइम टू रिवाइज की जगह शायद, क्या आप ये बात मानेंगे, आप ये कह रहे हैं कि मन में ऐसा लगता है कि एक बार और रिवाइज कर ले तो बेहतर होगा, शायद अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई। क्या मैं वो बात सही बोल पा रहा हूं जो आपको लगता है, कई लोगों को जो प्रॉब्लम है कि नहीं यार एक बार और तैयारी कर ली जाए, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। यस, डोंट हैव द टाइम, डोंट हैव द टाइम, और हर बार ये लगता है कि तैयारी पूरी नहीं है, मॉक टेस्ट में भी कई नंबर कम ना आ जाए, बहुत डर लगता है कम आने का। सिली मिस्टेक, मिस्टेक करने से किस किस को डर लगता है, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है कि मिस्टेक ना हो जाए कहीं, बताइए बेटे। स्पॉट ऑन बच्चा कह रहा है। सो ऐसा लगता है ना बेटे, हमेशा ये लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर इसमें अच्छे नंबर नहीं आए तो। मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं एग्जाम में कई बार भूल जाता हूं, एग्जाम में मुझे पता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक बार और पढ़ लेना चाहिए, इस तरह की कोई चीज। यस, ये बताइए क्या मैं, हम लोग सही नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए बेटे। 300 से 350 के बीच में स्टक हूं और उसके बाद ये नंबर ऊपर नहीं जा पा रहा है, सिलेबस 20 अप्रैल तक होगा तो अच्छा है क्या? यस 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 यस, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यहां पर जो मेन एक बात निकल के आ रही है, वो एक बात ये निकल के आ रही है कि हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को सही पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है, इस नीट एंट्रेंस एग्जाम को सही पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। ये आफ्टर ऑल एक एग्जाम है, 12वीं का बच्चा इस एग्जाम को देता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आएंगे, आपने खूब मेहनत करी है, आसान ही होता है पेपर, लार्जली एनसीईआरटी से आता है। अब आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एक ट्रैप में नहीं फंसना है, पिछली बार भी हमने बात करी थी सर, परफेक्शनिज्म के ट्रैप में नहीं फंसना। तो डिफाइन करिए। हाँ गाइस, ऐसा करते हैं मैं इसको उधर ले लेता हूं और इन वाले क्वेश्चंस को, काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, इनको यहां पे आ जाएंगे। परफेक्शनिज्म है क्या पहले डिफाइन कर देते हैं बच्चों के लिए। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है, आपको इसका मतलब क्या लगता है गाइस, सबसे पहले बताइए व्हाट डज, जब हम ये वर्ड यूज करें परफेक्शनिज्म, इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से, आप जब ये पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आता है, कोई आपसे पूछे परफेक्शनिज्म का क्या मतलब है तो आप क्या जवाब देंगे। सर शर्मा सर ने परफेक्शनिज्म वर्ड यूज किया था, आप बताइए परफेक्शनिज्म का आपके हिसाब से क्या मतलब है, ट्राइंग टू ओवर अचीव। यस 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 यस। हम सर एंग्जायटी पीएचडी टू नो एवरीथिंग, टेस्ट एंड सिलेबस कंप्लीट कैसे मैनेज, सब सही करना है एग्जाम में। यस 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 यस। देखो चेजिंग थिंग्स टू मेक सर सर सर, देखिए अब हम बच्चों को देखिए, अब बच्चों को सबको पता है, ये कहा आपने, आपने एक अपने लिए एक टारगेट सेट किया और ये टारगेट आपने सेट किया, ये टारगेट बहुत स्टिफ है, या तो इम्प्रोबेबल है
या तो इम्प्रोबेबल है, आपने जरूरत से ज्यादा स्टिफ टारगेट रख दिया, या इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा और तब जाकर के टारगेट अचीव होगा, जिसकी शायद शुरू में जरूरत नहीं है। नीट एंट्रेंस एग्जाम 7 मई को है, कल नहीं है, ये बात सोचिए आप। और 7 मई तक की जो जर्नी है वो पहले ही दिन से उसी तरह से आप तैयार हो जाएंगे जो 7 मई को आपको तैयारी चाहिए। आप अपने ऊपर बिना बात का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आज वो परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए जो 7 मई को चाहिए। 7 मई को परफेक्शनिज्म, आज गलतियां करके सीखना पड़ेगा। आप गलती करने से घबराएंगे तो अगला स्टेप उठाएंगे कैसे? छोटा बच्चा जब चलना शुरू होता है तो गिर के चलना सीखता है। अगर किसी ने, मां बाप ने यह सोचा कि मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, तो वो चलना नहीं सीखेगा बेटे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आज की तारीख में और 7 मई की तारीख में बहुत बड़ा अंतर है बच्चे। उस 7 मई के लिए आप आज अपने आप को पहले ही दिन से परफेक्शनिज्म ट्रैप में मत लाइए। लोगों ने आपके दिमाग में भर दिया 650 नंबर चाहिए, 650 नंबर चाहिए, 7 तारीख को चाहिए। परस्पेक्टिव में रखिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं। 600, 620, 650 जो भी है, आपका बहुत अच्छा टारगेट होना चाहिए। आपको एम्स दिल्ली जाना है, 705 होने चाहिए, इट इज गुड। लेकिन हर टेस्ट में किसने कहा, ये किसने कहा कि पहले ही टेस्ट से चाहिए? ये एंजाइटी मैं क्यों बिल्ड कर रहा हूं और क्यों मैं इतने स्टिफ अपने लिए टारगेट रख देता हूं, इतनी ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख देता हूं कि उसके बाद में जब मैं इसको अचीव नहीं कर पाता तो फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर और मैं काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता हूं और मैं काम से भागना शुरू कर देता हूं और मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैं अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस टेस्ट के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस तरह के ट्रैप में फंस रहा हूं? कहीं मुझे रियलिटी और जो बेसिकली जो मेरा परसेप्शन है उसमें अंतर अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार अपना एक स्टिफ टारगेट रखता हूं, अचीव नहीं करता, फिर मैंने जैसा आपसे कहा एंगर होता है, मुझे अपने पर खींच आती है, अपने ऊपर गुस्सा आता है, फिर मैं क्या करता हूं बेटे, उस काम को डिले कर देता हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है एक लार्जर गोल वाले काम को आपने डिले कर दिया। आपको लगा आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी, आपने कहा आज फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करूंगा, जब आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि शायद ये आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है। आपने 5 किए हैं तो आपको 50 का टारगेट रखना चाहिए था। अब अगर आपने 100 नहीं किए तो 5-10 तक आते आते आपको लगा कि 100 नहीं होंगे, आपने फिजिक्स छोड़ करके केमिस्ट्री उठा ली। थोड़ी देर में तय है कि आप इस केमिस्ट्री को छोड़ेंगे और केमिस्ट्री छोड़ करके आपने क्या उठा ली, बायो उठा ली और शाम तक आप ड्रेन हो गए। ऐसा नहीं है, आपने मेहनत नहीं करी, आप 6-8 घंटे बैठे रहे, आप पढ़ते चले गए, लेकिन अल्टीमेटली वो जो आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं उसके ट्रैप में आप फंसना शुरू हो गए। सो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, ये देखो बेटे, हमेशा एक बात समझना, जिस भी जने ने एंट्रेंस एग्जाम को निकाला है वो पहले ही दिन से सब कुछ जानता था, ऐसा नहीं है। इस तरह की चीजों में आपको नहीं फंसना है। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है बेटे कि नहीं आ रही है? यहां पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने ये अच्छा नहीं किया तो मेरे साथ ये बहुत खराब चीज हो जाएगी। अगर परफेक्ट कोई मेरा पेपर नहीं हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है। परफेक्ट का मतलब उल्टा अपोजिट डिजास्टर है, केवल दोनों के बीच में कोई और चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। गुड एनफ इज गुड एनफ, नहीं तो होगा क्या? यू विल बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। आप लोगों से मदद नहीं मांगेंगे, आपको लोगों से मदद मांगने में डर आनी शुरू हो जाएगी अगर आपको यह लगा कि मुझे सारी चीज आनी चाहिए। इट इज ओके टू बी इम्परफेक्ट, इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक, इट इज ओके टू ट्राई न्यू थिंग्स, इट इज ओके टू आस्क हेल्प। किसी से मदद मांगेंगे तो मदद मिलेगी। गलती करना बड़ी अच्छी बात है, हाँ, अगर आपने गलती करी और उस गलती को डॉक्यूमेंट कर दिया और उससे आपने सीख ले ली ताकि यह गलती नीट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगी, इसीलिए आप टेस्ट देते हैं। सो टेस्ट का मतलब यह है कि आपको आपकी स्वॉट एनालिसिस पता लग जाए, आपको आपकी वीकनेस पता लग जाए। सो ये मैंने बताया कि किस तरह से एक ये ट्रैप है, किस तरह से ये हमें इवन प्रैक्टिस करने से रोक रहा है। मैंने फिजिक्स सुबह उठाई, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, आधे घंटे में मुझे लगा गड़बड़ हो रही है, चलिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इससे बेहतर है केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं। फिजिक्स बंद करी, क्या खोल ली बेटे, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, मन नहीं लग रहा, फिर लग रहा है फिजिक्स में गड़बड़ हुई थी, किताब बंद करी, फिर फिजिक्स उठा ली, थोड़ी देर में लगा सब छोड़ करके बायो पढ़ता हूं क्योंकि इसका पेपर पास में आ रहा है। हुआ क्या? हुआ यहां पर ये कि मैंने मेहनत भी बहुत करी और उसके बाद में मैं बेटे इस ट्रैप में फंस गया। सो ये चीज आपके आप
आप फंसते चले जाते हैं। और इसीलिए किसी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्यों आपको दिल में यह बताना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, इट इज ओके, इट इज ओके। सो बार बार मेरा शब्द बार बार यह है, इट इज ओके, इट इज ऑलवेज ओके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुड एनफ इज गुड एनफ। जी सर। सर इस समय भी जितने बच्चे लाए हुए सबका मन ये कर रहा है कहने का एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग टू मी। मैं वही कह रहा हूँ सर, हैव वी नॉट बीन थ्रू दिस? करेक्ट। तो कपिल सर इज फ्रॉम सर बताओ सर दिल्ली आईआईटी रैंक में बताओ दिल्ली. नहीं रैंक बताओ सर, रैंक तो दूसरा लेकिन मेरी तो 1934 है। हां नहीं जेपी सर की रैंक बताओ। तो माय रैंक इज 1934, जेपी का रैंक 44 है और डॉक्टर एनके शर्मा का रैंक ये भी बता देता ना सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, एएफएमसी 3 तीन है। हाँ ठीक है लेकिन सर आपके किसी टेस्ट में हवा निकली है सॉलिड वाली, आपके टेस्ट में खराब नहीं हुए क्या? अरे सर ये छोड़िए, मतलब आई कांट से कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस एब्सोल्युटली, मतलब ये जो प्रेशर है दिस इज जनरल। बेटा आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वाइवा हुए हैं मैंने जाकर के एग्जामिनर को यही कहा है, सॉरी सर भूल गया, रिवाइज नहीं किया, सॉरी सर कहा है, बच्चे मुझे पास किया गया है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक एग्जामिनर, तो उन्होंने मेरे से पूछा चलो अपना नाम ही बता दो, तो मैंने उनसे कहा सॉरी सर आज रिवाइज नहीं किया, हंसने लग गए वो। उन्होंने कहा यार तू बावला है क्या, क्या बात कर रहा है ना, मैं ये पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है। तो मैंने कहा सॉरी सर मैंने आज रिवाइज नहीं किया। तो बेटे असल में जब 10वीं का एग्जाम आया था आप लोगों को बहुत डर लगा, लेकिन जैसे ही 10वीं पास हुई आप 10वीं वालों को सलाह देने लग गए कि देखो कैसे करना चाहिए, 11वीं में बेटे 12वीं आपने दी, 12वीं वालों को आप सलाह देने लग गए, ऐसे ही अब नीट से घबरा रहे हो, नीट वालों को एक ही साल में आप सलाह देने लगोगे जब आपका निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सर हूं मैं हूं, इवन जेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में फेल होकर के ये रैंक आई है सर, फेल होकर के ये रैंक आई है। सर आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है। हाँ। मेरे साथ तो ये हुआ था, सच्ची कह रहा हूं, झूठी बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम 1996 हिम्मत नहीं हुई थी, आई डिड नॉट गो टू राइट द एग्जाम, बता रहा हूं सर, फिर ड्रॉप करके सिलेक्शन हुआ। तो आप ये देखो ना, अब ये अच्छा एक मेरे को बात बताओ। हाँ। अगर आप पेपर देने जाते हाँ। और आप पेपर देने नहीं गए हाँ। सो आपने दो काम किए, आपने कहा जी मैं पेपर देने नहीं गया है ना, और अगर आप जाते हाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वर्स्ट हो जाता, बताओ आप मेरे को। सही बात है, कुछ नहीं होता, नहीं दैट इज व्हाट आई थिंक नाउ। हाँ क्या अगले दिन सूरज निकला? अरे सब कुछ हुआ सर, सब कुछ हुआ। व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द फस अबाउट? सो मैं ये पूछ रहा हूं कि इतना वो कहते ना हल्ला किस लिए, सो व्हाट वाज द फस अबाउट, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं होगा, ट्राई कीजिए, मिस्टेक कीजिए, कोई बात नहीं बेटे, पेपर से मत भागिए। किसी भी जगह जहां पे आपने ज्वाइन किया हुआ है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह पर, एक तो 15 जगह ज्वाइन मत करिए, ये फिर एक अजीब सा ट्रैप है, लोग इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं एक और प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3, टेस्ट सीरीज 4, टेस्ट सीरीज 5, सिलेबस 1, सिलेबस 2, अब आप कह रहे हो सिलेबस किसी का भी खत्म नहीं हो रहा, नहीं होगा, फंस गए। सो एक काम करिए, देखिए बेटे एक चीज है ट्रस्ट, ट्रस्ट जिस पर आप कर रहे हैं 100% करिए। So, कहने का मतलब यह है कि पहले तो यह देखिए कि जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट करने के काबिल है, अगर आपको लगता है काबिल है तो 100% ट्रस्ट कीजिए बेटे, और बहुत ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी कर रहे हैं आप अपना 100% उस टीचर को दीजिए जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं। एवरी टीचर ट्राइज टू हेल्प यू आउट, इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, हर एक जना आपकी मदद कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर 15 जनों की बात करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि यस ऑब्वियसली, जैसे मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं और आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, आपने मेरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है, मैं आपको कहूंगा एक आध और कर लीजिए ताकि आप पढ़े मेरे से और इवेलुएट कोई और करे, दैट वुड बी द थिंग। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा 10-12 मत करिए। दिक्कत क्या होगी बेटे, दिक्कत क्या होगी कि अल्टीमेटली क्योंकि आपका सिलेबस सिंक्रोनाइज नहीं होगा और आपके अंदर कहीं ये ट्रैप वाली प्रॉब्लम फंस गई, कहीं आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस का लैक आना शुरू हो गया, तो इसका नुकसान हो सकता है, फायदे की जगह इसका नुकसान हो सकता है बेटे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं नहीं चाह रहा कि कम मेरे को नुकसान हो जाए किसी चीज का, ये नहीं मैं चाहता हूं। जी सर,
तो सर अब चीज ये है, शशांक ने एक अच्छा सवाल पूछा, विच टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या टाइम हुआ है आदित्य? टाइम हो गया सर मेरे ख्याल से 4:17 हुआ है. तो सर एक चीज पे आ जाते हैं, आपने स्टैंडर्ड, यू आर अ डॉक्टर, बच्चे भी डॉक्टर बने, आपने एक डायग्नोसिस दिया जो एकदम फिट होता है बच्चों, फिट होता है, है ना. अब क्वेश्चन ये है, हाउ टू ओवरकम दिस. और शशांक ने भी पूछा, देयर इज अ फाइन लाइन, राइट? तो वो लाइन क्या है, कहां पे ड्रॉ करें? एक एक तरीका ये सोचेगा सर, कुछ नहीं, आज सवाल नहीं किया, आराम से लेटे. मैं पता है क्या कहता हूं सर, मैं कहता हूं, मैं अगर इनकी जगह होता, हाँ, मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं एक पेपर ऐसा देता जो मैंने 11वीं 12वीं में कभी पढ़ा था और उसकी दोबारा तैयारी नहीं कर रहा, मैं देता एग्जाम में जाके देखता क्या याद आएगा क्या नहीं. मैं नहीं करता सर, जिससे डर खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए. मैं ये देखना चाहता हूं क्या गड़बड़ हो जाएगी. अगर मान लीजिए ये नीट एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है मेरे पास, आप अगले संडे, संडे होता है सर हम लोगों का पेपर कब होता है? हर संडे. अगले संडे एक पेपर है, अगले संडे पेपर है, ज्यादातर बच्चों ने 11वीं 12वीं कर ली है, इसमें 11वीं 12वीं कर ली, आपने पढ़ा हुआ होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता ऐसा नहीं होगा. आप मुझे एक बात बताइए बेटे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आप जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं वो आपको ये जवाब दे कि आज मैंने रिवाइज नहीं किया? बताइए मेरी बात को. और क्या यह पॉसिबल है कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो जितने मरीज आएंगे उससे पहले आप टेक्स्ट मैटर को पढ़ेंगे बैठ करके? बताइए, इज इट पॉसिबल कि आप किसी पेशेंट को यह कह देंगे आज रिवाइज नहीं किया, आज भूल गया? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप उस कमरे में पहुंचेंगे, मतलब आप कितने, आपके पास बेटे आप इमरजेंसी में पोस्टेड है, पता लगा एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सीडेंट आ गया, 30-40 लोगों को चोट लगी हुई है, आप हर एक में देख के, इसके पैर में चोट है, पैर के बारे में पढ़ूंगा, हड्डी कौन सी है, हाथ में चोट है, हड्डी हड्डी के बारे में पढ़ूंगा. अरे देना यार, धक्का दे इस बात को, इसको कुछ कर, इस टाइम पर इसके इसकी जरूरत कुछ और है, इसको थ्योरी थोड़ी सुनानी है बच्चे. मुझे तो इसकी किसी तरह से ब्लीडिंग रोक करके सांस वास देखना ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, थोड़ी देर में ठीक कर लूंगा. और जब मैं सारा काम कर दूंगा, मान लीजिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है, आपने एक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, एग्जैक्ट ड्रग याद नहीं आ रही है, कम से कम कॉन्फिडेंटली लोगों को ये तो कहना कि यार तुम इसको जरा ड्रिप लगाओ, मैं ग्लव्स पहन के आता हूं, और आप ग्लव्स पहन के जाकर के किताब में देख करके आ जाओ वापस कि क्या लिखा हुआ है. कम से कम कॉन्फिडेंट तो आप सबसे ज्यादा होने चाहिए कमरे में, जान निकल जाएगी सर पेशेंट. अरे बेटे आप इमरजेंसी में पोस्टेड हो गए, जिस टाइम आप सेलेक्ट हो जाओगे बाद में आपकी इमरजेंसी पोस्टेड होगी, तो आप ये बताइए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी कौन होना चाहिए उस कमरे में? वो आप होना चाहिए बच्चे. सो ये जो चीज है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, एक ही कॉलेज एक ही डिग्री, लोग एक जितने सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात तय है बेटे. एक ही कॉलेज से निकले हुए, एक ही डिग्री किए हुए, दो लोग एक जैसे सक्सेसफुल नहीं होते, कहीं कुछ और भी हो रहा है. ये जो अपने अंदर की सेल्फ बिलीफ है, इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक, इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक. मैंने मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे से कोई एक फाइंडिंग मिस हो गई, पेशेंट 3 दिन बाद दोबारा आ गया कि सर मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैंने उसे दोबारा कोई एक मेडिसिन बेटे लिख करके दे दी जिससे वो ठीक हो गया. सो मैं क्या अब ये सोचूं कि मैं आज के बाद कोई पेशेंट नहीं देखूंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? No, that is not how life works. इस तरह से जिंदगी चलती नहीं है बच्चे. गलतियां होगी भी, सिचुएशन आएगी भी, आपका रिएक्शन आपके हाथ में है. स्टीवन कोवी की किताब है, किसकी किताब है? स्टीवन कोवी. उसने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है कि हम रिस्पॉन्ड हमारा होगा क्या. यह सबसे बड़ी फ्रीडम उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स के पास है. दिस इज वॉट यू कैन एक्चुअली चूज. सो हाउ टू ओवरकम दिस, हैव अ जनरल पॉजिटिव एप्टीट्यूड. मैं क्या करता था सर, मैं आपको बताता हूं. हाँ, मैं क्या करता था, मैं कुछ कार्ड बना लेता था. सो जैसे आप लोग वो फ्लैश कार्ड बनाते हैं, सो मैं भी एक कार्ड बना लेता था और उस कार्ड पर लिखता था, इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक, इट इज ओके टू कमिट ओकेजनल मिस्टेक. ठीक है, ये लिख लिया मैंने. ठीक है, फिर मैंने लिखा, इट इज ओके इफ समबडी डजंट लाइक मी. अगर कोई जना, कई बार लोगों को लगता है कि सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, सारी दुनिया को और कोई काम नहीं है, केवल मैं ही जाऊंगा तो सब मुझे ही एनालाइज करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है बेटे, दुनिया के पास और भी बहुत काम है. सो कभी भी इस तरह से बेटे, डू नॉट ट्राई टू लिव द लाइफ ऑफ द अदर पीपल, ट्राई टू लिव योर ओन लाइफ. अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए. इट इज ओके अगर कोई जना जो है आपको पसंद नहीं करता. नोबडी इज परफेक्ट एवरीबडी कमिट्स मिस्टेक. देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु इज लव्ड बाय एवरीवन.
ऐसा नहीं है, ये इम्परफेक्शनिज्म ठीक है. दिस इज व्हाट गुड एनफ इज गुड एनफ. परफेक्शनिज्म इज नॉट गुड एनफ. परफेक्शनिज्म इज गुड एनफ. और दूसरी चीज बेटे, पर्सपेक्टिव में रखिए चीजों को, पर्सपेक्टिव में रखिए. मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि जी मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, चलिए एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, 5 घंटे पढ़ता हूं, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा. आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए. आप मेरे से पूछने के बजाय अपने फ्रेंड से पूछिए कि यार मैं 5 घंटे पढ़ा और मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ. तय है बेटे 80% ये कहेंगे कि अरे यार तू तो 5 घंटे पढ़ा, मैं तो 2 भी नहीं पढ़ पाया. एकदम आपको समझ में आएगा, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं. कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, खुद ही उसका एनालिसिस कर रहे हैं, खुद ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं. एक बार पूछ तो लीजिए दूसरे से. अगर दूसरा आपके पास आकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप उसको क्या जवाब देंगे? इस तरह से आप चीजों को पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं. बिगर पिक्चर देखिए, बिगर पिक्चर देखिए. बिगर पिक्चर ये है कि डज इट रियली मैटर. So, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज रीइंफोर्समेंट. बार बार कार्ड बना के रख लिया था मैंने, तो मैं रोज उस कार्ड को पलट लेता था. सो 15 कार्ड थे, उन 15 कार्ड को मैं रास्ते में भी लेके जाता था. जब भी मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं उन कार्ड को देख लेता था कि यार ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है. और उसके बाद मैंने ये कहा कि इसमें आपने करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखना है, आपने करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखना है. दूसरी चीज बिग पिक्चर देखिए बेटे, बड़ी पिक्चर देखिए. छोटी छोटी लड़ाइयों से कुछ नहीं होता बेटे, बाद में आपको एक बहुत बड़ी वॉर जीतनी है. सो छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर हार भी हो रही है तो कोई बात नहीं. आप समझिए ये वो चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर कर रही हैं. डज इट रियली मैटर. आज से पांच साल बाद कोई भी आपसे बेहतर कर रहा है बेटे, आप एक बार पूछ के तो देखिए. सो मेरे को ऐसा लगता है सब लोग मेरे से बेहतर कर रहे हैं, ऐसा है नहीं बेटे. आप उनसे बेचारों से पूछ के तो देखिए, ये तो आप सोच रहे हैं. तभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा पर्सपेक्टिव में रखो, अपने फ्रेंड से पूछो यार मैं 5 घंटे पढ़ा मेरे 15 नंबर आए, तो वो कहेगा यार क्या बात कर रहा है, मैं 8 घंटे पढ़ा मेरे 0 आए. सो कहने का मतलब क्या है बेटे, इट इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर. डज इट रियली मैटर. अभी कपिल सर ने यह कहा कि मैं पहली बार पेपर देने नहीं जा पाया. मैंने उनसे पूछा अगर जाते तो क्या फर्क पड़ जाता. सो अब वो कह रहे हैं यार अब समझ में आ रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ जाता, इससे बुरा क्या होता बेटे. सो मेरा कहने का मतलब है मिस्टेक के लिए बेटे एक एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है. अब आप ये समझिए मेरा मतलब ये है, इसको आपने बिग पिक्चर में रखना है. आज से 2 साल बाद आप याद कीजिए अपने आज से 3 साल पुराने फियर. सो मैं बिल्कुल आपको एग्जॉर्ट कर रहा हूं इस टाइम पर, थोड़ी देर ठंडे दिमाग से 5 सेकेंड ये सोचिए आज से 3 साल पहले आपके क्या क्या डर थे. याद कीजिए 15 सेकेंड लेकर के कि आप आज से 3 साल पहले आपके क्या क्या डर थे. और ये 100% मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें से 95% तो हुए ही नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटे. वो जो आपके डर थे नथिंग कम केम आउट ट्रू. और जो हुआ भी बेटे उसकी इंटेंसिटी वो नहीं थी जो आपने सोच ली थी. हां या नहीं, नथिंग हैज हैपन्ड. याद करिए बेटे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया से निकल गया, ये भी निकल जाएगा. डज इट रियली मैटर. आंसर इज ये, वो केवल उसी चीज पे काम करना है जो कि वाकई में मैटर करती है. एक और चीज, चौथी चीज, एक पॉजिटिव स्टेप लीजिए. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा इस संडे के पेपर में कोई एक सब्जेक्ट उठाइए और कहिए इट इज ओके, देखता हूं पुरानी नॉलेज पे कितना याद आता है, आने दो नंबर कम को थोड़ा सा. और इस बार एक बारी से बायोलॉजी, आप जूलॉजी लीजिए, मेरा सब्जेक्ट लीजिए, कि चलो हमने कभी पढ़ा था और 45 क्वेश्चन हमें करने हैं संडे के पेपर में. ये 45 क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी अपनी जो है उस पर याददाश्त पर मैं करूंगा. सो मुझे बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, इस तरह के जब आप काम करते हैं तब जाकर के आप इस चीज को ओवरकम करते हैं और आपको यह पता लगता है कि जिंदगी ऐसे चलती है. गुड एनफ इज गुड एनफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, ये है वो मंत्रा जिसके हिसाब से आप आगे चलेंगे ताकि अगला स्टेप तो ले. पहले स्टेप पे अटके हुए ठीक है कि नहीं है तो दूसरा स्टेप कैसे लेंगे. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज से बाहर निकलिए. आप इस तरह के गड़बड़ नहीं करेंगे कि पेपर से पहले आपको लगता है एक दिन पोस्टपोन्ड हो जाए. मैं जाकर के क्लास में जब भी बेटे एग्जाम को अनाउंस करता हूं कुछ बच्चों की आवाज आती है सर 2 दिन बाद ले लेना.
इमीडिएटली, सर सिलेबस क्या आएगा, सर अभी तैयारी नहीं है, एक बार और तैयारी करनी है, इस चीज को मैंने अभी पढ़ा नहीं, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मेरी तबीयत खराब थी, मैं ये नहीं कर पाया, तीन क्लास में नहीं आ पाया, वो दे विल फाइंड एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस नॉट टू अपियर इन द एग्जाम। ये फियर हटाना है बच्चे, ये जो टेस्ट हो रहे हैं आपके, ये आपकी प्रैक्टिस है, इस टेस्ट से आपको तैयार किया जा रहा है, जो मेन चीज है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। इसमें गलतियां देखिए क्या हो रही है, उन गलतियों को सुधारिए, इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड लीजिए, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत फायदा करेगा। तो सर ऐसा है, आपने कहा कि बच्चे कहते हैं पोस्टपोन कर दो, ऐसा करते हमने इनको 21 को दो टेस्ट देने का बोला था, ठीक है, अब ये इसी एटीट्यूड में है तो रिकॉल वाला टेस्ट 20 को डाल देते और 21 को नॉर्मल वाला डालेंगे, बायो स्कैन वाला, लेट देम एक्सपीरियंस, किया इन्होंने, आता है, कर सकते हैं, 20 तारीख को अपलोड कर देंगे और देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। गाइज, आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सारी चीज सॉल्व हो जाएगी, ना ना, पर ये नजरिया जो है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूछो ना खुद से, आप यदि एग्जाम लिखेंगे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्या होगा, गारंटी है कि आपका होगा ये कि वो टेस्ट आपको वो बता देगा कि आप में ये कमी थी, ये चीजें और याद कर लीजिए, एंड दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। अगर किसी पेपर में आपको तीन गलतियां आपकी पता चल गई कि ये क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं इसको ये नहीं मान के चलूंगा मेरी तीन गलतियां हो गई, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी गलती करने की प्रोबेबिलिटी नीट एंट्रेंस एग्जाम में कम हो गई, क्योंकि मुझे अपनी तीन गलतियां और पता चल गई। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए बेटे, आया नहीं? पेरेंट्स को क्या बोलना है सौरभ? मेरे को देखो बेटे, ऐसा है, एक मेरी बात सुनो, इस दुनिया में रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट, ठीक है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अपने आप बहुत चीज़ों की आंसर हो जाते हैं, और मेरी बात मान के चलिए बेटे, मैं इस नॉन एकेडमिक की वजह से नहीं चाहता कि अच्छे बच्चे का रिजल्ट रुक जाए। आप पढ़िए, खुल के पढ़िए, एंजॉय कीजिए, अपने अपना स्फीयर कैनवस बड़ा कीजिए बेटे, और अपने को एंजॉय करना शुरू कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। डर से नहीं चलेगा बेटे, डरना छोड़ दीजिए, ये मैं आपको कह रहा हूं। और जिस दिन आप ये छोड़ देंगे, आप एक बार करके तो देखिए, एक बात सोचिए, अभी तो आज 20-22 तारीख है, एक बार करके देखिए और फिर ये देखिए कि क्या इससे फर्क पड़ रहा है, कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेस में ACTH रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल बेटे ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, प्रोटियोलिसिस करता है, प्रोटीन तोड़ देता है, और प्रोटीन में एंटीबॉडीज होती है बेटे, इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए स्ट्रेस वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा बीमार रहते हैं। बिना बात के बेटे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब यह था इस काम को और भी तरीके से किया जा सकता है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में वाकई में बड़े अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन वो कल नहीं चाहिए, नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सर तो मैं ना आपसे ये जो एक्सपेक्टेशन वाली बात है, इसके ऊपर एक और सेशन करेंगे, इसके ऊपर वो डिफरेंट बात है। मैं इस चीज को यहां पे रखना चाहता हूं, प्रैक्टिकली कुछ जो एडवाइस है, एक तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज पर चैप्टर कितने प्रैक्टिस करेंगे उसको थोड़ा रीजनेबल रख लो, वहां पे पहुंचेगा देख लेना, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज पर चैप्टर कितना प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप लोगों ने यदि 10 किताबें घर में रखी हुई, आप डॉक्टर बनने वाले, कबाड़ी नहीं बनने वाले, उसमें से बहुत सारी को हटा दीजिए, एक को रख लीजिए, एक दो, दो बहुत, दो। दूसरी चीज, यदि आपका 350 आ रहा है करंट, आपका नेक्स्ट टेस्ट टारगेट कैनॉट बी 600। हाँ हाँ, ये आप उस ट्रैप में फंसेंगे। हाँ, फिर आप दुखी होंगे, होगा क्या, आपका इसका 350 से 450 आएगा, खुश होने, मिठाई बटनी चाहिए, दुखी होगा, मतलब कायदे में ये चीज बहुत इंप्रूवमेंट किया, एग्जाम कल नहीं है, दिस हैज टू बी सेलिब्रेटेड। और एक और चीज सर, एक और चीज बेटे, जब भी आपको ऐसा लगे आपने अच्छा किया है, इस चीज को कभी मत भूलना बेटे, बड़ा स्ट्रांग इमोशन है। सो आपके ब्रेन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, वहां पर कुछ सेरोटोनिन, वहां पर ब्रेडिकाइनिन, इस तरह की बहुत सी चीजें बेटे रिलीज होती हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स कहते हैं, एंडोर्फिन्स एंड किफेलिन्स, इस तरह की चीज होती है ब्रेन में, रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर होता है, रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर। इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को एक केज में बंद कर दिया। सो देखिए बड़े ध्यान से समझिए, एक बंदर को एक केज में बंद कर दिया और उसके हाथ को एक स्विच के ऊपर रख दिया। सो एक सोचिए
केज है और मॉन्की उस केज में है और उसके हाथ के नीचे एक स्विच है, हाथ को बांध दिया और इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दी ब्रेन में और उसके बाद में उसका हाथ दबाया, हाथ दबाने से वो सर्किट, वो करंट पहुंचा ब्रेन में और वो जगह बार बार वो जगह स्टिमुलेट हुई और कई बार बंदर को उस जगह पर प्लेजर फील हुआ तो उसने अपने आप ही हाथ दबाना शुरू किया बार बार और फिर कुछ जगह पर उसको रिपल्शन हुआ तो फिर कोशिश भी करी तो उसने हाथ नहीं दबाया। तो ब्रेन में क्या होता है बेटे, एक हमने क्या कहा, एक रिवार्ड सेंटर होता है, एक पनिशमेंट सेंटर होता है और मजे की बात है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इज दैट दिस थिंग दिस ब्रेन कैन एक्चुअली बी ट्रेन्ड। द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड, मुझे नहीं पता किसी बहुत बड़े ऑथर की बात है, वो ये है कि ये जो माइंड है इसको ट्रेन करके आपकी जिंदगी की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आपने एंजॉय करना शुरू किया और पढ़ाई आपके रिवॉर्ड सेंटर बन गई, अब मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, आपका अपने आप मन करेगा किताब खोलने का, आपका अपने आप मन करेगा, आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, कि आज एक नई चीज पता चली, ये बहुत एक्साइटमेंट लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, आप उसको किताब को खोलेंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, एग्रीड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो सर फाइनल चीज रिवॉर्ड, बेटे ऋषि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, दिस रिवॉर्ड इज नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियल, इट कैन बी लिसनिंग टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बाय अ चॉकलेट फॉर योरसेल्फ एंड बेटे इट मे बी टॉकिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड, इट मे बी अ विजिट टू समबडी यू लाइक मीटिंग, इस तरह की काम आप कर सकते हैं। क्या ये बात सही है, जल्दी बताइए बेटे। और तीसरा, कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल, इट इज ओके। तो बच्चों ऐसा है, आज जो सर ने बोला है, मैं ये चीज कर रहा हूं कि आपके सारे जो टेस्ट है, रिकॉल टेस्ट, एक एक दिन, तो मैं बता देता हूं सर एक बार बच्चों को, जिससे लेट अस स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस थिंग, हमने कुछ नई चीज सीखी है तो होम पे आ जाते हैं, एक सेकेंड, कोर्सेस मैं आपको दिखा देता हूं हम क्या करेंगे, तो 20 तारीख से चालू कर देते हैं, क्यों 21 का वेट करें, अब आप सीख गए हैं, आपका डर होपफुली खत्म हो गया, जैसे 11th की हमारी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है, यहाँ पे 40S और LTS टेस्ट चले हुए हैं, ये वाला जो 21 जनवरी है ना, ये वाला इसको हम 20 जनवरी कर देंगे, करो रिकॉल, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिख दो सब, कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल। और सुनो सर सुनो, ये जो रिकॉल का मतलब ये है कि कितना याद है, हा? पढ़ के दिया तो फिर रिकॉल क्या, करेक्ट आता है, पढ़ के दिया तो फिर रिकॉल क्या मतलब आता है, ठीक है, तो रिकॉल का तो मतलब ये है कि आपने एक बार देखना है कि कितना याद है, और इन टेस्ट से बेटे हम बिल्ड करेंगे आपकी कॉन्फिडेंस, आप चिंता मत करो, जब आप 30-40 टेस्ट दे लेंगे तब बात करना हमसे कि आप कितना बेहतर हो गए हैं, क्यों सर, चलिए सर ठीक है, मेरे ख्याल से गाइस सही रहा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अपनी प्रॉब्लम पूछ लीजिए, कोई और ऐसा करना है तो, कोई और बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में डिस्कस, किसी और चीज से स्ट्रगल करें तो बताइए, किसी और चीज से स्ट्रगल करें तो बताइए गाइस। सर क्वेश्चन है, आई एम स्केर्ड ऑफ फिजिक्स, व्हाट टू डू, आई एम स्केर्ड ऑफ फिजिक्स, व्हाट टू डू, देखो बेटा 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, मैं रुको काम करता हूं, मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, है ना सर, मेरा बड़ा प्रिय स्टूडेंट रहा है, आप जानते हैं उसको, है ना, बहुत प्रिय स्टूडेंट रहा है और उसने मेरे ख्याल से 3rd या 4th अटेम्प्ट में दिल्ली उसको मिला, उसकी प्रॉब्लम ये थी क्या, फिजिक्स ठीक है, क्योंकि हम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं एकदम आपको आइडेंटिफाई हुआ, जब मैं सेलेक्ट हुआ मैं इसके घर गया तो इसके घर में ऊपर के फ्लोर पर इसका एक अलग से कमरा था, ओन रूम, वहां पर मैं गया तो मैंने देखा कि जमीन पर और काफी ऊंचाई तक बहुत सारे बहुत रद्दी क्वालिटी के रजिस्टर रखे हुए, 10-15 रजिस्टर ऐसे ही बना हुआ था और वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के क्या थे, रजिस्टर्स थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, उसने मुझे खोल के दिखाया, सारे मोटे मोटे रजिस्टर, सब में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व थे, उसने कहा सर मैंने हर एक क्वेश्चन हर तरह से कर लिया, मुझे पता है मेरी समझ नहीं आ रहा, मैंने मेहनत से कहानी खत्म करी, मैंने इसको लिख लिख करके ये यहां से या तो तार यहां से जाएगा या बीच से जाएगा जैसा उसने मुझे बताया, या कॉर्ड बनाएगा या टेंजेंट बनाएगा या दूर बनाएगा, ये 4-5 सिचुएशन हो सकती है, इसमें √3/2 लगा दूंगा, इसमें 1/√3 लगा दूंगा, मैं ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, शायद आप ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे, मुझे पता था 5वां क्वेश्चन आ नहीं सकता और मैंने ये कर दिया, एंड दिस पर्सन स्कोर्ड 164 आउट 180 in physics.
ये रहा बेटे फोबिया को दूर करने का तरीका, ये है कन्फ्रंट इट, करना चालू करो, करना चालू करो। और एक बात सुनिए, एक बार कई बारी लोग कहते हैं शो मी डोंट टेल मी। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग बात करी है मैंने, बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है बेटे करिए, आज से करना शुरू कर दीजिए, हर चीज का एंटीडोट बेटे एक्शन है, करना शुरू करिए, एक हफ्ते बाद देखते हैं। सही बात है। हाँ। आपको फिजिक्स से डर लगता है, आज 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कल 15 करना, एक हफ्ते में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चले गाइस, तो हम लोग आपसे मिलेंगे, रेगुलरली मिलते रहेंगे। आपकी खूब सारी टेस्टिंग चालू हो रही है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में, टेस्ट से डरना नहीं है। इस सेशन का एक पर्पज ये भी था, हम आपके खूब सारे टेस्ट कराने वाले हैं, खूब सारे मतलब सच में खूब सारे। अब यदि आपको टेस्ट से डर ही लगता है, यदि आपको टेस्ट से डर ही लगता है फिर कैसे काम चलेगा गाइस? तो होपफुली आपका टेस्ट का डर खत्म हुआ होगा। आप चिंता मत करिए, आपको अपने आसपास खूब सारी पॉजिटिविटी मिल जाएगी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके शुभचिंतक हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई आपको नीचे नहीं खींचना चाहता। द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ यू आर ओके, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। ठीक है गाइस, ऑल राइट, ऑल गुड। थोड़ा मंथन करिए, सोचिए आज क्या हुआ, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लगे रहिए गाइस, ऑल इज वेल।